आज जाने वाले हैं अपने धन्नो को लेके द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, अब लगाएंगा अपना धन्नो को, फोटो क्लिक करवाएंगा इधर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन लद्दाख सीरीज। लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा आज का लद्दाख में, और वो है उनमिंगला पास, जो सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल जगह है वो। एंड अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, लगभग 8 बज चुके हैं। हमारा प्लान था 7 बजे मॉर्निंग में निकलने का, बट सब पता ही है थके रहते हैं तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। देन हमारा बाइक रेडी हो चुका है, हमने लगेज यहीं पे अभी होम स्टे जहाँ पे लिया था वहीं पे छोड़ रखा है। हम लोग वापस आएंगे तो यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि 19,000 हाइट पे है वो, एंड हवा वहाँ पे काफ़ी तेज़ रहती है, एंड सांस की भी दिक्कत भी हो सकती है, बट ना हो ऐसा कुछ तो सही रहेगा। एंड बस हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, बाकी बातें सीधा मोटर बाइक पे करते हैं। हर हर महादेव। आज होने वाली है तगड़ी चढ़ाई, और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे चढ़ाई करने वाले हम लोग, उनमिंगला पास, जहाँ पे हर बाइकर्स के सपने होते हैं कि उस जगह पे जाए और अपनी बाइक्स को लेके जाए। तो हमारा भी भाई ड्रीम था, तो हम भी लेके जा रहे हैं आज। एंड वहाँ पे ना ठंड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, मे बी स्नोफॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो मैंने करा है नीचे इनर डाला है, ट्राउज़र डाला है, जीन्स डाला है, फिर ऊपर से आपका राइडिंग पैंट है उसके अंदर भी विंटर लाइनर है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने डाल रखी है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर मैंने डाल रखा है इनर है, एंड फिर टी शर्ट है, टी शर्ट के बाद फिर हमारा राइडिंग जैकेट है, उसके अंदर भी आपका विंटर लाइनर है, एंड विंटर लाइनर के ऊपर फिर मैंने रखा है रेन जैकेट। तो इशारे कुछ इसलिए क्योंकि हवा अंदर ना जा सके, अंदर हवा जाएगी तो ही ठंड लगती है ज़्यादा। एंड हाथ में ग्लव सही, बस इसका पता नहीं क्योंकि ठंड लगती है हाथ में, फिर भी देखते क्या होता है, बस ज़्यादा ठंड ना हो यार, नहीं तो वाट लग जाएगी। कल की वीडियो तो आपने देखी होगी, नहीं देखी जाके तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी आ रही है। काफ़ी मज़ेदार थी कल की वीडियो, काफ़ी एडवेंचर भरा वाला था। एंड रात में जो मिल्की वेव हमने देखा वो भी आपको दिखाया लास्ट में, मैंने नंगे आंखों से हमने देखा यहाँ पे, भाई क्या गजब का सीन था, नंगे आंखों से देखा। तो वो फोटोज मैंने कुछ लिए थे वो आपको दिखा दिए, एंड काफ़ी बढ़िया लगा वो देख के। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ नंगे आंखों से देख सकते हैं कहीं से भी। तो यहाँ से उनमिंगला लगभग 105 किलोमीटर और एक रास्ता है 75 किलोमीटर का। तो देखते हैं नेपुला की साइड से अगर जाएंगे तो 75 किलोमीटर होगा मे बी, कल एक आर्मी वाले अंकल बता रहे थे। सो देखते हैं किधर से जाते हैं, अभी बेटर होगा हमारे लिए 75 वाला ही सही होगा, क्योंकि हमें जल्दी जाना भी है, जल्दी आना भी है, क्योंकि आज हमें फिर निकलना है मनाली के लिए। तो मनाली तो पहुँच नहीं पाएंगे, मनाली के लिए निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोग बीच में सरचू वगैरह कोशिश करेंगे जाने का, सरचू तक मार लेने का, इधर से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है यार। इधर तो रास्ता ही नहीं है, इधर रास्ता बना दिया गया है, मतलब पहाड़ों में जैसे तैसे करके रास्ते बनाए गए हुए, और इतनी खतरनाक वाली चढ़ाई, मीठी एकदम, ओ भाई अलग ही लेवल का एडवेंचर है इधर लद्दाख, इतना आसान नहीं है। एक तो मीठी इतनी स्लिपी वाली है ये, ओ देखो ये जैसे होते हैं ना रेगिस्तान में रोड बने हुए रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ बना हुआ है, कैसे से जाना है भाई, कहीं गलत तो नहीं ना जा रहे हैं। देखो हम लोग शॉर्टकट लिया है तो ये हो सकती थोड़ी सी एडवेंचर भरा, और जो 100 किलोमीटर वाला है वो आप जा सकते हो, रोड बनी हुई है उसमें, बट आपको मैप में वो नहीं दिखाएगी, उनमिंगला मैप में है ही नहीं वो। हल्ले से होके ना हम लोग तो इधर से हल्ले से ही आए, बट हम लोग पीछे से आए तो शॉर्टकट बहुत मिला। तो हमने तो
तो गाइज यहाँ पे केरला के कुछ बंदे मिल गए हैं जो फंस गए थे कहीं रास्ते में, लोगों को पता नहीं चला था, तो हम लोग शॉर्टकट से लेके जा रहे थे, तो इन लोगों ने हम लोग को देखा, हाथ दिया, तो अब हम लोग साथ में उन मिंगला पास जाने वाले हैं। भाई भयंकर वाट लगी है गाड़ी की, ऐसे ऐसे चढ़ाई मिल रहे हैं, और एक तो प्लेन रोड में भी बाइक नहीं भाग रही है, एक नंबर में हर जगह लगभग चलाने पड़ रहे हैं, एक से दो नंबर में। मगर यहाँ से व्यू काफी अच्छा लग रहा है यार। ओह बहुत सही व्यू है, मे बी ये रोड शायद आगे जाके मेन रोड में मिला दे तो बेटर होगा। उच्चक नीचक, उच्चक नीचक। गाइस अगर आप आ रहे हो ना बाइक से या कार से उन मिंगला के लिए, अगर शॉर्टकट रास्ते से मार रहे हो ना, तुम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ोगे ना वहां से लेफ्ट ले लेना, ये नहीं कि राइट, राइट अगर लोग मतलब जैसे चढ़ोगे जैसे ये मेन रोड में वहाँ से लेफ्ट ले लेना तो उन मिंगला जाओगे, अगर राइट लोगे तो फिर वापस हलने पहुँच जाओगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। भाई यहाँ पे ना बाइक की फट रही है, ऐसे रोड में तीन नंबर पे पूरा फुल एक्सीलेटर लिया हुआ हूँ, 30 की स्पीड जा रही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, 19,000 के हाइट पे पहुँच गए हैं, तो बाइक भागेगी कहाँ से, एक तो हवा चल रही है इतनी तेज, तो इसमें और दिक्कत यार, माइलेज तो ऐसे ही टट्टी जैसी दे रही है, 20-22 की माइलेज दे रही है यहाँ पे, बाइक पूरी एकदम जोर लगाना पड़ रहा बाइक पे, यहाँ से 1000 मीटर और उमिंगला पास पहुँच जाएंगे भाई। बाइक की तो हालत ख़राब हो रही है, साथ साथ में हाथ की भी, अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना ठंड बढ़ती जा रही है यार, हाथ सुन पड़ रहे हैं अब, देखो स्नोफॉल हुई है हल्के हल्के इधर, भाई क्या नज़ारे हैं इधर के, मजा आ गया। ये पंजाब वाले भाई लोग तो बड़ा जल्दी आ गए यार, भाई ये लोग निकल गए थे हमसे कम से कम 10 मिनट पहले, हम लोग वेट कर रहे थे प्रीतम भाई लोग का। एक्चुअली मिंगला पास में आपको ओनली 10-15 मिनट रोकने दिया जाएगा, और ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक वहाँ उमिंगला पास। गाइस फाइनली पहुँच गए हैं उमिंगला पास, ओ भाई अब लगाएंगा अपना धन्नो को, फोटो क्लिक करवाएंगा इधर, भाई खुशी का ठिकाना नहीं, यहाँ पहुँच गए भाई, काफ़ी बाइकर्स यहाँ पे आए हुए, देखो सब लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे पिक क्लिक करवाने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए, देन हमारी बारी इस बाइक की बात, एंड बहुत मज़ा आया, बाइक भी बहुत स्लो चल रही थी और भाई करतब दिखा रहा है, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत यार ये सपना सेकेंड अचीवमेंट यहाँ पर पहुँचे, फर्स्ट था खरदुंगला, सेकेंड उमिंगला, मज़ा आ गया।
बाइक भी बंद हो रही, ठंडी हो गई यहाँ पे थोड़ी। चल गया बड़ा ही ठंड रे बाबा यहाँ पे। सांस की कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे लगा था इतनी हाइट पे तो थोड़ी हो सकती है, बट अगर आप आराम से रहोगे, हड़बड़ाहट नहीं करोगे, अगर आप जल्दबाजी कोई चीज़ नहीं करने वाले हो तो आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो कुछ देर तक, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मुझे तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ। और गाइस हम लोग निकल ही रहे थे यहाँ पे कि रूम छोड़ ही रहे थे और इधर भैया लोग केरला से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और एक और भैया पता नहीं कहाँ है, रूम देख रहे हैं ना। तो बस आप लोग हजारीबाग आओगे उधर से क्रॉस करोगे तो मिलना हम लोग से ज़रूर, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अभी हलने से निकल रहे हैं एंड यहाँ पर पेट्रोल भी ले लिए, 150 रुपये लीटर दिया रे बाबा। 150 रुपये देगा क्या, वही वाला हल हो गया अभी, 150 रुपये देगा क्या। तो 150 रुपये करके लिए पर लीटर, तो 10 लीटर ले लिए, टैंक में मैंने डाल दिया लगभग 7 लीटर और जो बचे 3-3.5 लीटर वो मैंने बांध दिए प्रशांत भाई के बाइक पे। एक्चुअली मेरे बाइक पे जगह नहीं है वैसा बांधने का, तो देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एंड जो कम से कम अभी जो टाइम हो रहा है ना लगभग 4 बजने वाले हैं, तो हमें कम से कम यहाँ से 150-200 किलोमीटर किसी भी हाल में मारना होगा आज, तभी कल मनाली शाम तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो फिर कल केलोंग ही पहुँच पाएंगे। और केलोंग से मनाली है लगभग होगी 100 होगी लगभग 100 किलोमीटर। यार मौसम देखो सामने, उधर नीले इधर काले, बूंदे जो गिर रही ना इतनी बड़ी बड़ी गिर रही है भाई, बारिश ना हो यार नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा हमारे साथ। इधर कहीं बच के रेन जैकेट पहनने का टाइम भी नहीं मिलेगा हमें अगर जोर से बारिश हो। पत्थर लटक गया यार, दो दो आगे पीछे दोनों। हे बाबा, अभी तक का सबसे खतरनाक वाला वाटर क्रॉसिंग था भाई, ये सबसे खतरनाक वाला। बड़े बड़े पत्थर और पानी भी नहीं, तक पूरे घुटने इतने पानी थे भाई। खैर सूज हमने खोल लिए थे प्रीतम भाई दोनों ने, वो भी लक्की बच्चा, मैं भी लक्की बच्चा, मेरे आगे और पीछे दोनों चक्के पड़ गए थे पत्थर के बीच में।
मैं तो लगभग गिरने वाला था, एक पैर पे संभाले रखा, फिर प्रीतम भाई आके वो थोड़ा धक्का दिया तब निकला। नहीं तो मुश्किल था थोड़ा वहाँ पे अकेले निकालना, क्योंकि बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। अभी पता नहीं और कितने मिलेंगे यार, भगवान करे आगे और ना मिले वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि रात भी होने वाली है तो दिक्कत हो जाएगी। मिले बट छोटे वाले मिले जिससे निकल जाए आराम से, बड़े वाले में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक्चुअली नीचे राइडिंग पैंट भी थोड़ी सी भीग गई है ना, वो ऊपर आती नहीं उतनी, वो कितनी बार सूज वगैरह खोलूंगा। अब पानी भी तो इतनी ठंडी रहती है, वाट लग जाती पैरों की, तुरंत रेड हो जाती है। तो गाइस फाइनली आ गया है उमिंगला पास से, एंड बहुत मजा आया आज। उधर की रोड ऑफ रोड वाली बहुत ही सुंदर थी, एंड जो ऊपर जब चढ़ रहे थे हम लोग तो वो भी बहुत प्यारा था। और भाई वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, क्या ही बोलो, बहुत मजा आया। ये अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट था खारदुंगला के बाद, सेकंड अचीवमेंट उमिंगला, बहुत मजा आया। देन आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट करो, एंड लाइक कर दो वीडियो को, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो जाके, और घंटा बटन को जरूर से दबा लेना। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी थक गए तो सोने का टाइम अब हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा थक गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, टेक फन, जय हिंद।